डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिन में थोड़े से समय भी अगर आप चुप रहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी हाईटेक लाइफ जो है उसमें से कुछ समय आप चुप रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी हो सकती हैं। अगर दिन में एक बार भी आप चुप रह के पार्क में वॉक करते हैं तो आपकी मेमोरी पे इसका बहुत असर पड़ेगा और मेमोरी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, इसकी रिटेनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज आजकल जो हम हर वक्त शोर वाले माहौल में रहते हैं, पूरा दिन हमें भी बोलना होता है, कोई ना कोई काम करते रहना होता है, हम किसी वक्त ही शायद चुप रहते होंगे, इसका हमारी सेहत पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए हमें दिन के कुछ समय में चुप रहना चाहिए और चुप रहते वक्त थोड़ी सी शांति हमें मिलेगी जिससे हम ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं। और इसके फ़ायदे अब मैं आपको कंसीडर करवाती हूँ। सबसे पहले फ़ायदा है कि दिमाग हमारा तेज़ होता है। अगर आप दिन में कुछ देर शांत माहौल में बैठते हैं, इससे आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा और दिमाग जब शांत होता है तो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि कुछ देर शांत बैठने से ब्रेन की जो सेल्स हैं वो दोबारा से जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि दोबारा से रीजनरेशन का मतलब है कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती हैं। इसलिए शांत रहने से हमारा दिमाग कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देता है। 2011 में प्रेसिडिक्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक रिसर्च वर्क पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि अगर आप हफ्ते में 3 बार 40 मिनट तक चुप रह के वॉक करते हैं तो आपके माइंड का हिप्पोकैम्पस डेवलप होना शुरू हो जाता है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी की रिटेनिंग पावर और मेमोरी की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चुप रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। नॉइज़ वाले एनवायरनमेंट में रहने से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स जब ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो हमारे माइंड पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालती हैं। 2006 के अंदर एक रिसर्च वर्क की गई, उसमें ये बताया गया है कि अगर हम कुछ टाइम तक शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी से टेंशन रिलीज़ अपने आप हो जाती है। कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो हमारे दिमाग से टेंशन को बहुत दूर कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने मनपसंद गाने सुनते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। कुछ समय चुप रहने से हमें अच्छी नींद भी आने लगती है। दिन में कुछ देर शांत रहने से आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें, पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ और फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है ये चीज़ हम छोड़ दें। अगर हम खाना खाते वक्त चुप रहते हैं या चुप रहने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से हम खाने को धीरे धीरे चबाएंगे, और हम जब धीरे धीरे चबाएंगे तो वो खाना जो है वो ज़्यादा हमारा च्यू होगा, और ऐसा करने से वो हमारा बॉडी के अंदर अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, हमें फूड का जो टेस्ट है वो भी अच्छा लगेगा और हमें एक्चुअल फूड का टेस्ट भी पता चलेगा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका स्वाद कैसा है।